भाई साहब खतरनाक। इधर देखिए, अभी मैंने इनको भूंगे डाले हैं तो थोड़े से डाले थे तो सारे पहाड़ से चलकर आगे देखिए। पूरा ना एरिया इन्हीं जानवरों से बेचारे। ये नदी है दोस्तों कसावती, और ये रायपुर बांध की तरफ जा रही है और रोड के ऊपर फिलहाल अभी बह रही है। ये रोड है सामने। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टपकेश्वर महादेव पर, और यहाँ का नज़ारा मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ। देखिए पीछे काफ़ी सारा गहरा जंगल टाइप में है, पूरा पहाड़ है यहाँ पर। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है आज, और बारिश का मौसम था, और लंगूर बहुत सारे हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए मेरे पीछे आ रहा है और काफ़ी सारे लंगूर यहाँ। दोस्तों ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पर लंगूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और ये रास्ता है यहाँ चलने का, और मैं दिखाता हूँ आपको। इधर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों, और ऊपर हमें जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है, चढ़कर चलेंगे ऊपर। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है, और साइड से ना हल्की हल्की नदी भी बह रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पानी यहाँ बहता हुआ, कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। तो ऐसी जगह पर है ना, कभी नेचर को फील करना हो तो ऐसी जगह पर ज़रूर आइए, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ, ज़बरदस्त जगह है। पहली बार दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब ऐसी जगह पर आते हैं तो इतना अच्छा नेचर देखते हैं, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ एरिया, और काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को। और सावन का महीना है वैसे भी, और महादेव के दर्शन कर कर तो वैसे भी धन्य हो जाते हैं। ये सतीश है मेरे साथ में, सॉरी सतीश नहीं, पवन है, जगमोहन है साथ में, और यहाँ पर ये पुल बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, और नदी बह रही है यहाँ से नीचे से, देखना ये सामने, ये पीछे से आ रही है बांध है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये योगेश है, और ऊपर चलेंगे हम, यहाँ पर दर्शन करेंगे महादेव जी के, उसके बाद में बांध की तरफ चलेंगे। इसमें मैंने टोपी पहन ली है, तो बताइए कि टोपी में कैसा लग रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ नीचे का नज़ारा, और ऊपर चल रहे हैं हम लोग अभी। पूरा नदी का नज़ारा है नीचे की तरफ, ऊपर मंदिर है। दोस्तों एक बार नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का, देखिए बीच में नदी बनी हुई है और दोनों साइड पहाड़ है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर महादेव के, ये देखिए ये है मेन गेट, और अभी दर्शन करेंगे महादेव जी के। गाइस हम टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा 500 मीटर आगे जाएंगे, और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, जो ये आपको मैंने नदी दिखाई है वो हमें लेकर जा रहे हैं योगेश भाई साहब आज दिखाने के लिए। और ऐसा बताते हैं कि लोकेशन बढ़िया है वो, पीछे भी एक कुमार और ये महादेव जी के भक्त है सतीश कुमार यादव सैनी, सब कुछ किसी भी जाति को नहीं मानते हैं ये जो आगे जा रहे हैं। और अभी बांध दिखाऊंगा मैं आपको, जबरदस्त बांध बना हुआ है यहाँ पर, और पीछे की लोकेशन देख ही रहे हैं आप, पूरा जंगल का एरिया है। और आगे दिखाता हूँ अभी मैं, देखिए आगे चल रहे हैं महादेव के भक्त, और बिना जयकारा के
जय भाई जयकारा तो लगा दो की जय जय। देखिए लोकेशन देखिए दोस्तों आप, कितनी जबरदस्त लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। चल रहे फटाफट से, चप्पल निकल गई दोस्तों। क्या भाई गोर है क्या? मेन रास्ता वही है। चल रहे भाई जंगल का इस एरिया पूरा तगड़ा वाला भाई साहब, खतरनाक भाई। इधर देखिए सब कुछ हरा भरा हो रखा है। चलो भाई फटाफट से, दिखा भाई हटियो हटियो। ओ भाई साहब ऊपर चढ़ना पड़ रहा है जैसे जंगल के अंदर। अरे भाई रुक जाओ मेरे लिए, टन टन। भाई तगड़ा रास्ता बना हुआ है एक नंबर का। तो गाइस अभी हम लोगों ने बांध देखा, ऐसा कुछ खास नहीं था वहाँ पर। बांध में पानी ही नहीं है क्योंकि बरसात सिर्फ एक बार ही हुई थी। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है यहाँ से गणेश्वर जाने का। वहाँ पर दोस्तों गर्म पानी आता है और ऐसा कहा जाता है कि चरम रोग भी वहाँ दूर होता है, तो वहाँ चलेंगे। और अभी फिलहाल इस जंगल से बाहर जा रहे हैं वापस से। दोस्तों देखिए यहाँ पर जब भी आए ना आप, तो केले या फिर कोई भी भूंगड़े वगैरह होते हैं, चने वगैरह होते हैं, वो सब लेके आना, क्योंकि यहाँ पर ये भूखे मरते रहते बेचारे। अभी मैंने इनको भूंगड़े डाले हैं तो थोड़े से डाले थे, तो सारे पहाड़ से चल कर आगे देखिए। तो यहाँ देखिए पूरा ना एरिया इन्हीं जानवरों से बेचारे भरा हुआ है। और ऊपर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लंगूर, और ये ऊपर से चलकर यहाँ पर आ गए सारे। इनको लगा कि मैं बहुत सारा खाना लेकर आया इनके लिए, लेकिन जितना मेरे पास में था उतना मैंने इनको दे दिया था।